दुर्ग पुलिस ने शातिर चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दुर्ग जिले के 3 थानों की पुलिस को शातिर चोर गिरोह की तलाश थी। पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग समेत कुल 7 लोग शामिल हैं। पुलिस ने इनके द्वारा चुराया गया सामान खरीदने वाले 3 दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस में लगभग 7,50,000 रूपये का सामान बरामद किया है। दरअसल दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसपी पल्लव ने अपराधियों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए। शातिर चोरों ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 35 से ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। किया गया है जिसमें एक आबचारी बालक भी है। इसमें 4 जो है वो चोरी करने वाले थे और 3 जो है मोबाइल खरीदने वाले थे। इनके द्वारा 35 मोबाइल जो है वो पिछले 4-5 महीने में चोरी किया गया था। इनके द्वारा घर में घुस के भी कैश और घरेलू सामान की भी एक बार चोरी की गई थी। ये लगातार बाइक से घुमा करते थे और एक आदमी जो आगे गाड़ी चलाता था वो रास्ता जानने के नाम पे या कुछ बात करता था, डिस्ट्रैक्ट करता था, पीछे वाला ऊपर वाले पॉकेट से मोबाइल चोरी कर लेता था। किया गया है जिसमें एक आबचारी बालक भी है। इसमें